This is the future. आपका गोल चाहे हो फैट लॉस या फिर भाई मसल गेन, ये जो वर्कआउट रूटीन है ना, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने कि आपका जो बॉडी का कंडीशन है वो बताता है कि भाई आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर भी एडवांस्ड हो। आप कितने दिन से जिम जा रहे हो ये मैटर नहीं करता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट रूटीन होता है 4 डेज वर्कआउट, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्प्लिट। डे 1 पे हम करेंगे अपर बॉडी वर्कआउट। हमारा जो पहला वर्कआउट रहेगा वो रहेगा चेस्ट मसल का, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस 4 सेट 6 से 8 रिपीटेशन। लेकिन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 सेट आपको वार्म अप सेट लगाना पड़ेगा जो कि 15 से लेकर 20 रिपीटेशन तक रहेगा, ठीक है। और अगर आप बारबेल बेंच प्रेस लगाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप डंबल बेंच प्रेस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सुइटेबल हो, चाहे आप बारबेल सुइटेबल है तो बारबेल पे लगा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर डंबल सुइटेबल लगता है तो आप डंबल पे भी बेंच प्रेस लगा सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम ही आएगा। लेकिन मैं जो डंबल बेंच प्रेस है उसे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ड्यू टू उसका मूवमेंट। उसका जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा नीचे तक जा सकता है, स्ट्रेचिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है चेस्ट पे, इसके वजह से मैं डंबल प्रेस को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, वो है प्रॉपर फॉर्म, यानी कि सही तरीका, किस तरीके से आपको पकड़ना है, किस तरीके से कितना नीचे आपको लेना है, कितना ऊपर तक आपको उठाना है, कितने स्पीड में आपको लगाना है रिपीटेशंस। तो ये सारे चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, मैं प्रॉपर फॉर्म के ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। जो दूसरा एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा बैक मसल के लिए, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं पुलअप्स। और जिन लोगों से पुलअप्स नहीं होता है या फिर जिनके जिम में असिस्टेड पुलअप मशीन्स नहीं है वो वहाँ पर लैट पुल डाउन लगा सकते हैं। हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज रहेगा वो रहेगा शोल्डर्स के लिए, और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं साइड लैटरल रेजेस, और यहाँ पर रहेगा 3 सेट्स 8 से 10 रिपीटेशन, ठीक है। लेकिन हर एक्सरसाइज में हमको पहले 1 या 2 वार्म अप सेट्स लगाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम करने वाले हैं ट्राइसेप का वर्कआउट, और इस पर हम करेंगे ट्राइसेप पुश डाउन, यहाँ पर भी वही 3 सेट 8 से 10 रिपीटेशन। और लास्ट को हम करेंगे बाइसेप वर्कआउट, और यहाँ पर मैं प्रिफर करता हूँ केबल कर्ल्स प्रॉपर फॉर्म सीखने के लिए, एक बिगिनर के लिए बेस्ट रहता है, और यहाँ पर भी आपको लगाना है 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन। डे 2 पर हम करने वाले हैं आज लोअर बॉडी वर्कआउट, और हम स्टार्टअप करेंगे स्क्वाट से, लेकिन फ्री स्क्वाट, मतलब बिना बारबेल के खाली आपके बॉडी वेट के साथ आपको स्क्वाट लगाना है। वार्म अप के लिए 2 सेट 20 रिपीटेशन हर सेट में आपको लगाना है। उसके बाद हम करेंगे बारबेल बैक स्क्वाट, यहाँ पर आपको 4 सेट लगाने हैं 6 से 8 रिपीटेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर फॉर्म। उसके बाद हम करने वाले हैं सीटेड लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन हम यहाँ पर भी वही 3 सेट लगाएंगे 10 से 12 रिपीटेशन। उसके बाद हम करने वाले हैं डंबल या फिर बारबेल से वॉकिंग लंजेस 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन। नेक्स्ट वर्कआउट हम करने वाले हैं कैप्स के लिए, और कैप्स के लिए काफ प्रेस हम लगा सकते हैं लेग प्रेस मशीन के ऊपर, वो भी 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन। लास्ट को हम लगाने वाले हैं एब्स एब्डोमिनल्स के लिए, यहाँ पर मैं प्रिफर करता हूँ पर्सनली डिक्लाइन क्रंचेस, नहीं तो अगर आपके जिम में मशीन है, क्रंचेस का मशीन मिलता है, अगर वो मशीन अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको लगाना है 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन। डे 3 हम ले रहे हैं रेस्ट, उसके बाद डे 4 पे आपको फिर से अपर बॉडी वर्कआउट करना है, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंजेस है। पहले आपको यहाँ पर लगाना है शोल्डर का वर्कआउट, जहाँ पर हम करेंगे ओवरहेड प्रेसेस, ठीक है। आप चाहे मशीन पे कर सकते हो, स्मिथ मशीन पे कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली डंबल पे भी कर सकते हो, 4 सेट 6 से 8 रिपीटेशन। चेस्ट, उसके बाद हम करेंगे चेस्ट मसल के लिए, यहाँ पर हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी फ्लैट बेंच प्रेस पे कर लिया था, अब हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस 3 सेट 8 से 10 रिपीटेशन। देन नेक्स्ट वर्कआउट हमारा रहेगा बैक के लिए, बैक में हम यहाँ पर करेंगे केबल रोज, सीटेड केबल रोज हम यहाँ पर लगाने वाले हैं 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे वही शोल्डर का वर्कआउट, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे रियर डेल्ट फ्लाइज 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन। उसके बाद हम करने वाले हैं ट्रैप्स के लिए, यहाँ पर आप श्रग मशीन यूज कर सकते हैं, अगर आपके जिम में श्रग का मशीन है तो वहाँ पे वो यूज कर सकते हो, नहीं तो आप डंबल पे श्रग लगा सकते हो,
तीन सेट 10 से 12 रिपीटेशन। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट आपका रहेगा ट्राइसेप्स, यहाँ पर आपको लगाना है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस, 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन। और लास्ट वर्कआउट हमारा रहेगा बाइसेप, यहाँ पर आप लगा सकते हो मेसिन प्रीचर कर्ल्स, 3 सेट 12 से 15 रिपीटेशन। डे 5 पे हम फिर से करने वाले हैं लोअर बॉडी वर्कआउट, लेकिन यहाँ पर हम कंसंट्रेट करेंगे हमारे हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर। जो पहला वर्कआउट हम करने वाले हैं वो है लाइंग लेग कर्ल, या फिर आप यहाँ पर सीटेड लेग कर्ल भी लगा सकते हैं। आपके जिम में जो भी मशीन अवेलेबल है आप वो चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगाना है 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन। उसके बाद आपको लगाना है वही हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज, स्टीफ लेग डेडलिफ्ट। यहाँ पर अगर आपके जिम में श्रग का मशीन है तो उसे यूज़ करके आप स्टीफ लेग डेडलिफ्ट लगा सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल बारबेल पे या फिर डंबल पे भी स्टीफ लेग डेडलिफ्ट लगा सकते हो। यहाँ पर आपको लगाना है 4 सेट 6 रिपीटेशन। हैमस्ट्रिंग फिर हम करना है लेग प्रेस मशीन पे। लेग प्रेस पे आपको यहाँ पर पैर जो है थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, हाई स्टैंस पे रखना है और क्लोज ग्रिप पे रखना है, क्लोज फिट रखना है, दोनों पैर आस पास रखने हैं। और यहाँ पर आपको करना है 3 सेट 15 रिपीटेशन। उसके बाद हम करेंगे काप्स, सीटेड काप रेज। अगर आपके जिम में मशीन अवेलेबल है तो आप सीटेड काप रेज लगा सकते हो, नहीं तो आप स्टैंडिंग काप रेजेस भी लगा सकते हो, ठीक है। 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन। और लास्ट को हम लगाने वाले हैं एब्स, लेग रेजेस ऑन रोमन चेयर। रोमन चेयर के ऊपर अगर चाहे तो लेग रेजेस लगा सकते हो, मतलब आप बोर्ड के ऊपर भी आप लेग रेजेस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप फ्लोर पे भी लेग रेजेस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेट ऑफ 12 से 15 रिपीटेशन। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और भाई इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर अभी तक आपने हमारे फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो।